आपके लिए जो हमने सिचुएशन सोची है वो ये है, क्योंकि आपका मायर ये भी चल रहा है और उसमें इस तरह का एक आपके साथ रिलेटेड इंसिडेंट हुआ भी है. तो यू लेट्स अज्यूम यू आर प्लेइंग एन 18 और अ 19 ईयर ओल्ड और आपका रिश्ता है, ठीक है जी. और आपसे वो जो रिश्ते में होता नहीं सवाल जवाब, एक इंटरव्यू हो रहा होता है, बेटे अच्छा आप क्या करती हो, अभी आपका आगे क्या इरादा है, वो सारी चीज हो रही है. उस कॉन्वर्सेशन में आई एम गोइंग टू गिव यू सर्टेन प्रॉप्स. Okay. And you have to improvise and include those props as part of that conversation. All right. ठीक है? Okay. Ready? सही है. All right. We'll start. So should I just enact? हाँ? Should I just enact that they're asking me questions? आप सोचो आप चाय लेके आई हो. सही है. मैंने चाय रख दी. जी मैं बिल्कुल भी कोई घर का काम नहीं करती. मैं I'm very lazy and लेकिन I will learn if you teach me. मैं सीख जाऊँगी और मैं कह रही थी कि हाँ क्या कह रही थी, मैं बहुत बिल्कुल मैं सुघड़ हूँ, मैं बहुत घर के काम करती हूँ और बहुत तमीज़दार हूँ. आपके बाल भी काट सकती हूँ मैं, अगर आप मुझे कट करवाएं तो मैं आपके बाल भी काट सकती हूँ. खाना बना लेती बेटा. खाना आपको क्या खाना चाहते हैं आप, अगर आप कुछ अजीब सा खाना खाना चाहते हैं तो वो मैं ज़रूर बना लेती हूँ, लेकिन कुछ अच्छा नहीं बना सकती मैं आपके और आपके बेटे के लिए, आपका बेटा भूखा रहेगा. Oh God! I don't even know how to play this. अच्छा. और मैं बिल्कुल भी शोर नहीं करती. मैं I'm very submissive. I listen to people and I don't annoy them. This is not okay. What am I doing? I'm a little lost. It's not working. This is embarrassing. It's not working. That was not good. But I tried my best. ठीक है, आई ट्राइड माय बेस्ट. ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ साथ आप इसको और बेहतर हो जाएंगे. आई कैन मेक इट फनी. हाँ नहीं नहीं ये प्रॉप्स हम आपसे ले लेते हैं. अच्छा ये ओके नेवर माइंड. मुझे ये बताओ कि जब आप लोग वैसे भी एक्ट कर रहे होते हो तो कितना इम्पोर्टेंट होता है सेट के ऊपर इम्प्रोवाइज करना. वो स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है. और करते हो आप? आई एम लाफिंग एट माय स्टुपिडिटी व्हाट आई जस्ट डिड. नो नो इट वाज डीसेंट बिलीव मी. आई होप. हां नो नो इट वाज डीसेंट. मैं बहुत नर्वस हो जाती हूं जब गेम्स खेलते हैं. हां स्पेशली लाइक आई जस्ट हैव गेम्स को छोड़ो. मुझे ये बताओ कि कुछ एक्टर्स होते हैं उनको बड़ा शौक होता है सेट के ऊपर यार अपना एक अपना कुछ लेके आने का. कोई सिचुएशन होगी ना उसमें अपना कुछ वर्क डाल देंगे. आर यू लाइक दैट? आई एम लाइक दैट एज लॉन्ग एज द डायरेक्टर मीस भाई अलाउज मी टू. आई लव इट. लाइक हम लोग जैसे मेरे और जो समय के सीन्स होते हैं हम लोग उसमें इतना इम्प्रोवाइज करते हैं, इतना इम्प्रोवाइज करते हैं आप सोच नहीं सकते. हम लोग बैठ के प्रॉपर सीन्स बनाते हैं कि दिस वुड बी फनी एंड दिस वुड नॉट बी फनी एंड लोग उस चीज़ को देख रहे हैं. वो एक समय का एक सीन था जिसमें अप्रिशिएट हिम फॉर दैट कि उसका जो कबूले वाला सीन था उसने बोला था कि बोलना क्या है. वो स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था, वो उसने खुद बोला था. हम लोग ऐसी ही ना फनी थोड़ी लाइट हार्टेड चीज़ें, हमारा टॉपिक इतना सेंसिटिव है तो वी ट्राई टू मेक इट लाइट हार्टेड इन दोज काइंड ऑफ वेज कि हम लोग कुछ फ़नी बोल दें, कुछ ये कर दें. बिकॉज वन थिंग वन जॉनरा दैट मीसम भाई सेड दैट वी नीड टू फॉलो इज कॉमेडी एंड ट्रेजेडी. It will look like a very funny scene. लेकिन अगर आप उस सीन के बारे में सोचेंगे तो आपको रियलाइज होगा गॉड वाओ दे वर कवरिंग इट अप. अगर हम ह्यूमर से हट के इस सीन को देखें तो ये सीन तो एक्चुअली एक बहुत डार्क बहुत इंटेंस सीन है एंड देर लाफिंग अबाउट इट वेल देर किड्स दिस शुडंट हैपन टू देम. Comedy and tragedy is fine as long as it's not shown in a romantic light, you know. Exactly. I agree with that. Khawateen Azad, waqt hua chahta hai ek aur break ka. Break se wapas aayenge to aur maze ki games khelenge. We'll be back after a really short break.